Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. कि हम अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे करके रखें, क्योंकि हम अपनी आदतों को बदलना भी चाहते हैं। दो तीन दिन तक तो हमारी प्रैक्टिस ठीक चलती है, पर चौथे दिन हमारी गाड़ी वापस पुराने ट्रैक पर आ जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें? देखो, दो तीन बातें हैं। एक बात जो हमने बताई आपको, प्रतिक्रमण की प्रोसेस। अगर आप इतना मन में संकल्प करो कि हर रात सोने से पहले आप 20 मिनट आधा घंटा खुद के पास बैठोगे ही और अपनी सारी गलतियों का निरीक्षण करोगे और अपने आप को इंस्ट्रक्शन दोगे, तो ये एक अच्छी हैबिट आपको ऑटोमेटिकली हर दिन मोटिवेट करेगी। ठीक है ना? ये एक पहला पॉइंट है कि आप रोज प्रतिक्रमण करना सीखो, इंट्रोस्पेक्शन करो और खुद की गलतियों को ठीक करो, आप में मोटिवेशन ऑटोमेटिकली पैदा होगा। दूसरा तत्व कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट कैसे रख सकते हो, इसके लिए कुछ अच्छी चीजें अपने में डेवलप करो, जैसे नींद में से आंख खुलते ही मुस्कुराना। हर छोटी मोटी कोई भी घटना, कोई भी काम शुरू करो, उसके पहले आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, रात सोने से पहले मुस्कुराहट आए, हर काम के वक्त में आपके भीतर से एक थैंक यू निकले। अगर वो थैंक यू और मुस्कुराना, ये दो चीजें आ गई ना जिंदगी में, जिसको बोलते हैं मुस्कुराना और शुक्राना, शुक्रिया अदा करना, शुक्राना, थैंक यू, ये दो चीजें आ गई ना आपकी जिंदगी में, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक सेल्फ मोटिवेशन होगा ही। ये दो चीजें जिसके साथ है, जैसे आप सीरियस होने लगते हो वैसे ही आपके अंदर की स्पिरिट लो होने लग जाती है। इसलिए सीरियस मत बनो जिंदगी के अंदर में, मतलब समझदार बनो, गंभीर बनो, लेकिन ये चेहरे पे जो बहुत लोग सीरियसनेस ले आते हैं ना, और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि बड़े हो गए तो सीरियस होना बहुत जरूरी हो गया। तो मैं ऐसा नहीं मानती, हमारा ऐसा कहना है कि आप कैसी भी स्थिति हो हल्के फुल्के बने रहो। ठीक है, लोग यही तो कहेंगे इतने बड़े हो गए तो भी हंसते हैं, तो अच्छी बात है। तो सीरियस मत बनो, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहोगे। तीसरी बात समझो कि अगर हमें जिंदगी को प्रेम से, प्रसन्नता से, हल्का फुल्का होकर के जीते हैं ना, तो उसके बाद में आपको ये नहीं लगेगा कि आपको कल कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए आज अपने आप को पुश करना है। क्योंकि जिंदगी में लक्ष्य कभी कल नहीं होता है, किसी कल में नहीं होता है, ऐसा हमें बचपन से सिखाया जाता है। अरे वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, बस छोटे थे तो कहते थे बस एक टेंथ कर ले बेटा, है ना, फिर टेंथ हो गई तो ट्वेल्थ, फिर ट्वेल्थ हो गई तो बीए की डिग्री, फिर बीए की डिग्री होता अभी एमबीए की डिग्री चाहिए, कुछ तो भी चाहिए ना। और आदमी को हमेशा भगाया जाता है, ये जो भागता भागता आदमी एक दिन आखिर थक जाता है, वो कहता अभी सब छोड़ ही दो, लेकिन छूटता कुछ नहीं, वो पीछे से लोग धक्का मारते रहते हैं, अभी वो अभी वो अभी वो। तो हमारा कहना ऐसे है, धक्के में मत जियो, आज की जिंदगी को प्रसन्नता से जियो, बस इतना कर लो, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए। हर आज को अच्छा जियो, हर आज को प्रसन्नता से जियो, हर आज को शुक्रिया अदा करते हुए जियो, हर आज को हल्का फुल्का होकर के जियो। अब इससे बड़ा मोटिवेशन हमको क्या चाहिए बताओ ना। हमें कोई आकाश से चांद तारे तोड़ गए तो पता नहीं, आपने कहा अपनी गर्लफ्रेंड को लाके दूंगा तो बात अलग है। लोग डायलॉग्स बोल देते हैं। तो ऐसा ही मोटिवेशन हमारा हो कि आज का दिन अच्छा हो, तो सुबह उठते ही मुस्कुराओगे। अभी हम में से कौन लोग एक नई हैबिट आज से स्टार्ट करेंगे कि सुबह उठते मुस्कुराना, रात सोते वक्त मुस्कुराना। मैं तो इस चीज को मैं मानती हूं, नमोकार मंत्र बोलने के नियम पचकान करने से भी ज्यादा मुश्किल ये पचकान है। आप करके देखो, आप मेरे साथ आज बात कर रहे हो ना, भूलना मत, भूल गए तो बात अलग है। अगर याद रखो कि मुझे रात सोने वक्त मुस्कुराना है, सुबह जागते वक्त मुस्कुराना है, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आपको मैं नमोकार मंत्र रोज बोलने का पचकान दिलाऊं ना, वो आसान है, और ये करना मुश्किल है। क्योंकि हर रात सोते वक्त सबसे ज्यादा आदमी को अपनी सारी टेंशन याद आती है, और जो जो चीजें हमें नहीं मिली है वो सारी चीजें याद आती है, जितने हमारे दुख है, तनाव है, पीड़ाएं है ना, सारी परेशानियां और अपने प्रियजनों की याद है, वो सब सोते वक्त याद आती है। और उस वक्त कोई मुस्कुरा ले, बहुत बड़ी बात है, वो सीखो। सोने से पहले मुस्कुरा के आज के दिन के लिए धन्यवाद देना सीखो। जब नींद में से आंख खुले तो मुस्कुरा के आज का दिन फिर से नया मिला, इसके लिए धन्यवाद देना सीख लो, आपको हर दिन मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और चेहरे पे ध्यान दो, घर से निकल रहे हो मुस्कुराता है कि नहीं, घर में आ रहे हो मुस्कुराता है कि नहीं,
बुक स्टार्ट कर रहे हो, लोग तो किताब खोलने के साथ ही चैप्टर के पन्ने गिनते हैं अभी कितना में। अरे उस वक्त आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और मुस्कुरा नहीं सकते, तो पहले सीरियस हो गए तो मोटिवेशन कहां से आएगा? नहीं, तो मेरा कहना है मोटिवेशन आता ही है अगर आपको मुस्कुराना आ जाए तो। इससे बड़ा और क्या मोटिवेशन तत्व होगा? तो स्माइलिंग फेस रखो, और अगर हम यूथ होकर के स्माइलिंग नहीं होंगे तो फिर बुढ़ापे में तो बस मुश्किल ही है फिर। है ना, तो अभी से स्टार्ट करो, हमेशा स्माइलिंग फेस रखो। आई थिंक ये आपको काम देगा ये सूत्र, है ना। जय हो।